हाँ, तो दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं प्रेशर, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है, यह मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ के ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए, और फ्रेटर्निटी तो नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के, भी कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजोरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनॉमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों, एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला है? आप तो इतने मेजोरिटी से आए, क्यों डर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सब बहुत है, इतनी मेजोरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजोरिटी है फिर भी डरते हो, ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला तो अपने छांव से भी डरता है, ये ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इसमें पार्टी में नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। ऑथेंटिकेट, हाँ, ऑनरेबल मेंबर विल ऑथेंटिकेट, पार्डन, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट कितना सरकार साहब कर देना सर, कर्नाटक का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार। फ्रस्ट्रेशन है कि ये व्यक्ति सत्ता में कैसे आ गया। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें, हम क्या करें? अगर आप बार बार घूमते हैं, भारत दर्शन करिए, विध्वंसों के बीच में घूमिए, जेएनयू जाइए, टुकड़े टुकड़े साथ घूमिए, देश की जनता आपको वोट नहीं देती कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का विकास हो रहा है, गरीबों की चिंता हो रही है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, आपको इसलिए वोट नहीं मिलता। भारत माँ को जो अपमान किया उनके साथ बैठे, बिल्कुल सर। मुझे एक बात करनी थी सर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कम से कम उस पर तो कुछ बोलेंगे सर। आज भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का झंडा लहर रहा है दुनिया में सर, 10,000 करोड़ मेड इन इंडिया बाहर जा रहा है सर, एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो इसलिए अगर इतना एक्सपोर्ट हुआ सर फिर भी आप परेशान हैं, इलेक्ट्रॉनिक में आज चिप्स बनने की बात हो रही है फिर भी आप परेशान हैं, अरे कभी तो शुभ, आज 5G आ रहा है तब भी आप परेशान हैं, तो कभी ना। मुझे लगता है सर कांग्रेस पार्टी बहुत इस बात का दावा करती है दैट द कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज ब्रॉट बाय देयर फादर राजीव गांधी, मे बी सर, उसी बिना, हाँ मान लीजिए ये मैं आपकी, उसी बिना पर तो ही परंपरा का तारीफ करते हैं आप, वो भी नहीं करें। अरे इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल एम्पावरमेंट की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि स्टार्टअप की बात की है। आई कैन अंडरस्टैंड, शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, यूज योर शक्ति लेटर ऑन, वॉट एवर आई डन, नो,
let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But one second. But I am there. I will have to ensure. No. One second. The ruling party cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day substantiate the allegations with respect to so-called washing machine. He will do it. What? Ask him to sit down, sir. No. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. Sir? Ask him. आप देखिए, मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, तो साहब आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे, इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है उस मशीन? अरे ऐसा क्यों कर रहे साहब? उस वॉशिंग मशीन में आने के बाद वो व्यक्ति कलंकित व्यक्ति उज्ज्वल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, और सब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे, और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा, ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ, बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे, क्या है उसमें, क्या है क्या है? तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या? मैं ये कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूँ ना। अहमदाबाद में कहा था, सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है, मैं नहीं कहा, ये अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राज धर्म का पालन नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोबारा हारता है तो और जांचता है। सर यहां समस्या क्या है? हारो या जीतो कोई पूछने वाला है नहीं, यही सवाल है सर। वो लोग भी ना पूछेंगे, ना उनके समर्थक पूछेंगे, अंदर अंदर खूब बात करेंगे, हम नीचे गिरते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, आप और नीचे गिरेंगे। सर ये देश बदल रहा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, भारत में उद्यमशीलता फैल रही है। सर आज सुरक्षा की बात होती है तो मैं आज कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे काइंडली अलाउ करिए सर। गडकरी जी पार्टी के अध्यक्ष थे सर, तो उन्होंने राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई कि भारत सीमा और कश्मीर पर जाके अध्ययन करे सर। मैं उसका सचिव था सर, तो हम लोग कई बार कश्मीर गए सर, लद्दाख गए थे सर। तो लद्दाख गए थे तो वहां पर गाँव में वहां के लोगों ने बताया कि हमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नहीं बने देते। मैंने क्यों भाई? का बनती है तो उधर से चीन अपोज कर देता है और रुक जाता है काम। मैं क्यों? यही तो राजधर्म अभी पालन कर रहे हैं।
Since a reference has been made to a great son of this country, a former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Ji, I call upon Leader of the Opposition and the Honorable Finance Minister to lay the documentation on the table of the House during course of the day. Honorable Finance Minister. One more minute, sir. Huh? One more minute. Honorable Finance Minister. For having read only part of it. Honorable Finance Minister. For having quoted. The chair has called me. The chair has called me. The chair has called me. For having quoted partly to suit their convenience. They should also, after I corroborate and leave that statement here, give a word of apology. It will leave. I can assure the members what the LOP has said, what the Honorable Finance Minister has said, consequences will flow. Because the entire country is concerned, Atal Bihari Vajpayee Ji was a former Prime Minister, Bharat Ratna, and a great son of this country. Any observation made by him, if truncated, suited, or not given properly this side or that side, it is duty of the chair to deal with the situation. Take your seat. Yes. Yes. Sir, my mere impression is that 4 अप्रैल का है, अगर आपको डिटेल होना है तो मैं ला। नो सर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर नो सब्स्टिट्यूट टू डॉक्यूमेंटेशन। सब यू हैव टू ऑथेंटिकेट व्हाट इज सेड। सर, अब मैं देखिए, और गुजरात मॉडल की बात बहुत आई है और डबल इंजन सरकार की बहुत, जब कर्नाटक में गए प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का, जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 31% है 1000 बर्थ्स को, 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें 30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है, ऑथेंटिकेटेड। और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ, आप ही के आदाद और शुमार 75वां एनएसएस का डेटा ये कहता है कि 25% मुस्लिम बच्चे पैसों की गुर्बत की वजह से तालीम से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्या ये सच नहीं है कि 7 साल से ऊपर जो बच्चों का खवानगी का तनासुब है, तमाम मजाहिब में सबसे कम मुसलमानों का है?